ज्ञान तिमरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमिन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति सर्वदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आई सत्संग प्रेमी जनों, श्रीमद् भागवत गीता सत्संग समारोह में स्वागत है आपका। सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। जय गोपाल। श्रीमद् भागवत गीता प्रारंभ करने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। आइए आप भी मेरे साथ प्रणाम कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ओम शांति 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 सुशांत भवतु। जय गोपाल। श्रीमद् भागवत गीता दसवां अध्याय चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण 20 वस्तुओं के नाम गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सभी मुझसे आती हैं। तो आप सुनिए 20 वस्तु कौन सी हैं। बुद्धि, पहली इनमें बुद्धि है। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भाव अभाव भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथक विदा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान असमोह यानी अनासक्ति अभ्रम क्षमा सत्य दम शम सुख दुख जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा सत्यम अहिंसा समता समानता तुष्टि संतोष
तप तीन तप हैं, यश और अपयश। भगवान कहते हैं कि ये ऐसे भाव प्राणी के अंदर मुझसे आते हैं, मुझसे प्रकट होते हैं, क्योंकि संसार में दुख भी हैं और सुख भी हैं। भगवान कहते हैं ये मुझसे प्रकट होते हैं। तो ये इसका कुछ रहस्य है इन शब्दों में। भगवान कहने का तात्पर्य, भगवान का तात्पर्य जो कहने का है वो कुछ रहस्यपूर्ण है। तो उस रहस्य को खोलने के लिए श्रीमद् भागवत गीता और भगवद गीता के जो आचार्य हुए हैं महापुरुष भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इत्यादि अनेकों, चैतन्य महाप्रभु, बल्लभाचार्य आदि महान पुरुषों ने, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य जो व्याख्या की है इन शब्दों की, उस पर हम गौर दें, ध्यान दें। जब प्राणी भगवान की शरण में रहता है तो उसको सुख मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। जब प्राणी भगवान की शरण छोड़ करके माया की शरण में रहता है तब वो संसार में फंस जाता है, दुखी होता है। बस ये दो चीजें समझ लेनी चाहिए। एक और तो भगवान की शरण है जो सुखदायक है, एक और माया की शरण है जो दुखदायक है। माया कहा है इल्यूजरी पोटेंसी को, भगवान की जो इल्यूजरी पोटेंसी है, भ्रम रूपा माया है, इसको माया कहा है। भ्रम है, आदमी को भ्रम हो जाता है, जैसे दुर्योधन को भ्रम हो गया था, जल में वो थल का भ्रम हो गया था, इंद्रप्रस्थ जब पांडवों की राजधानी में गया, मैदानव के द्वारा बनाई गई पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, वो बड़ी कलाकारी से बनाई गई थी। दुर्योधन को आमंत्रित किया तो दुर्योधन जब उसमें आश्चर्यचकित होकर देख रहा था सभी महल की शोभा को, तब जाके एक जगह पर दुर्योधन को भ्रम हो गया कि जहाँ जल था वहां पर थल का भ्रम हो गया। तो और जहां थल था वहां जल का भ्रम हुआ, तो थल था वहां पर जल का भ्रम हुआ और बच के जाने लगा। तो साथ में चलने वाले दास ने कहा कि हुजूर आप घबराइए नहीं, ये जल नहीं थल है, निकलिए, पार हो जाइए। निकल गया। बड़ा आश्चर्य हुआ दुर्योधन को कि थल है लेकिन ये जल जैसा लग रहा है, और वो बच के निकलने वाला था। ऐसे जब जल का दृश्य, जब थल का दृश्य आया तो ठीक था, लेकिन अब जल का दृश्य आ गया तो जल जहाँ आया, बहुत विशेष जल का तालाब भरा है, वहां उसको थल जमीन जैसी नजर आई। ये कलाकारी से बनाई हुई चीजें थी, मैदानव की रचना थी। तो दुर्योधन ने थल समझ के चलता रहा, सेवक का ध्यान थोड़ा हट गया, इतने में दुर्योधन जल में गिर गया। ऊपर से देख रही द्रौपदी ने हंसी उड़ाई, और हंसी भी बड़ी कहिए कि ऐसी हंसी उड़ाना शोभा तो नहीं देता। द्रौपदी ने कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, तो ये यही तीर चुभा दुर्योधन को, जो महाभारत का कारण बन गया। दुर्योधन अपमानित हुआ। तो भ्रम जो है, भ्रम का जाल है ये संसार है पूरा। आदमी को भ्रम हो जाता है कि मैं कमाता हूं, खाता हूं, कौन मुझे देता है, क्यों मैं किसी को प्रणाम करूं,
राम को, कृष्ण को, भगवान को, क्यों किसी के आगे झुकूं? ये मेरे बालक हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे धन वैभव हैं, ये सब भ्रम उठाते हैं, इनमें वास्तविकता नहीं है कुछ। यहां तक भी शरीर में भ्रम हो जाता है, लेकिन शरीर की गारंटी नहीं है अगले क्षण की भी। ये भ्रम के ऊपर आदमी बड़ा अहंकार में भर जाता है और अहंकार से फिर भगवान को भुला देता है, भगवान से उधर भगवान को बुलाता है, इधर भ्रमों में और उलझता जाता है, तो माया के हाथ की कठपुतली बन जाता है, तो इसको दुख मिलते हैं। और भगवान के चरणों का दास बन जाता है, भगवान का मित्र बन जाता है, जब इसको सुख के द्वार खुल जाते हैं। बस दो चीजें समझने से ये पूरा दोनों श्लोक में 20 वस्तुएं हैं, ये समझ में आपको आ जाएंगी आसानी से। तो आत्मबुद्धि तभी मिलती है जब भगवान की शरण में आदमी होता है, वरना देहात्म बुद्धि मिलती है, भौतिक बुद्धि, पेट भरने की बुद्धि, संसार में मान प्रतिष्ठा पाने की बुद्धि इत्यादि। ऐसे ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है और सांसारिक ज्ञान है। फिर भ्रम है, तो जब माया के अधीन ये जीव रहता है तो ये भ्रमित होता है, कदम कदम पर इसको भ्रम होता है, डाउट होता है। लेकिन भ्रम से मुक्त होना है तो भगवान की शरण में जाने से, इस शास्त्रों का ज्ञान उदय होने से भ्रम दूर होने लगते हैं। तो झूठे भ्रम होते हैं, ये दूर होने लगते हैं। सच्चाई को जानने लगता है तो भ्रम दूर होने लगते हैं। सच्चाई जानी जाती है सत्संग से, शास्त्रों से, सदगुरु से। तो भगवान कहते हैं कि ये दोनों ही मुझसे ही आते हैं, सभी सृष्टि ही भगवान से आती है, माया भी तो भगवान की है। तो ये माया रूपी भ्रम ये भी भगवान से आता है, और भ्रम का भ्रम से मुक्ति ये भी भगवान से आती है। लेकिन भ्रम से मुक्त वही होता है जो भगवान के आधीनता में रहता है, भगवान का बन के रहता है, भगवान का प्रेमी बनता है। भगवान के प्रेमी भ्रम से दूर रहते हैं, भगवान के प्रेमी के अंदर सारी उच्च क्वालिटी होती है, उच्च गुण होते हैं, ऊंचे गुण होते हैं, और माया के प्रेमी को के पास वो गुण नहीं होते। तो भगवान का जो प्रेमी है उसके हृदय में क्षमा भाव अधिक होता है, वो क्षमा कर देता है, बड़े बड़े अपराध करने वालों को भी क्षमा कर देता है। हमको इन चीजों से शिक्षा लेनी चाहिए। जब आपके अंदर कोई क्षमा भाव आता है, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं बच्चों से, पत्नी से, मित्रों से, किसी और अनजान से, उनको क्षमा कर देना चाहिए। जब आप क्षमा कर देते हैं, करते हैं, तब आप जो है भगवान के नज़दीक होते हैं। क्षमा नहीं करते तब आप भगवान से दूर होते हैं। सहनशीलता भगवान के नजदीक लाती है और असहनशीलता भगवान से दूर ले जाती है। इसलिए भगवान के भक्त सहनशील होते हैं। सहनशीलता में आपको आनंद मिलेगा, असहनशीलता में आपको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। असहनशील आदमी झगड़ा कर बैठता है, पुलिस आ जाती है, कोर्ट कचहरी हो जाती है, मुकदमे चलते हैं, जेल भी हो जाती है। सहनशीलता में आपको सुख मिल जाता है, कोई दुश्मनी नहीं पैदा होती, क्षमा का भाव भगवान से आता है। सहनशीलता यानी क्षमा, असहनशीलता भी भगवान से आती है। लेकिन ये जो है
माया के अधीन रहते हैं उनको मिलती है। माया में सारा भ्रम है, तो ऐसे ही शीलता पैदा होती है, क्षमा का भाव नहीं पैदा होता। तो भगवान से जुड़े रहना चाहिए, इसमें हमको हमारा भला है। सत्यम सत्य है, जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो साक्षात भगवान ही बोलता है उसके मुख से, लेकिन जब कोई असत्य बोलता है वो ब्रह्म है, माया में है, इसलिए झूठ का सहारा लेता है, झूठ बोलता है। दो ही साये हैं, एक साया है भगवान का, एक साया है माया का। माया के साये में रहने वाले झूठ को अपनाते हैं, भगवान के साये में रहने वाले सत्य को अपनाते हैं। जो भगवान के साये में रहते हैं वो सत्य के नजदीक रहते हैं और भगवान के नजदीक रहते हैं। जो माया के साये में रहते हैं वो झूठ के नजदीक रहते हैं और झूठ झूठ में जीवन जीते हैं, फिर दुख मिलते हैं। तो सत्य भगवान का स्वरूप है। जहां दया तहां धर्म है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध वहां मृत्यु है, जहां साच वहां आप। गुरु नानक देव जी की वाणी है ये। जहां सत्य होती है वहां स्वयं भगवान होते हैं। जब सत्य आपके मुख से निकलता है तब भगवान का आपके पास भगवान का अधिक वजन होता है आपके हृदय में, भगवान आपके हृदय में होते हैं उस समय। झूठ जब होती है तब भगवान आपके हृदय में नहीं होते, तब हैवान होता है, भ्रम होते हैं, माया होती है, मोह होता है। मोह मुक्त नहीं होता, भ्रम में होता है। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमा क्षमा। दम कहते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करना, और क्षमा कहते हैं अपने मन के विचारों पर काबू पाना। जब आपके मन के विचार शुद्ध आ रहे हों तो ये क्षमा है। जो इंद्रियां आपने अपने वश में कर रखी हों ये दमा है। दमा इन दमन, दमन मन कंट्रोल। जैसे घोड़े के ऊपर बैठने वाला घुड़सवार अपनी दोनों टांगों से घोड़े को कंट्रोल करता है, दबा देता है तो घोड़ा दौड़ता है तेजी से, टांगे लूज कर दे तो घोड़ा लूज होकर थूकने लगता है। तो लगाम और टांगों का ही खेल है। जिन लोगों ने अपने घोड़े ढीले छोड़ रखे हैं, इंद्रिय नामक घोड़े, उनको वो माया में है, उनके घोड़े कहीं भी जा रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर भोग तृप्ति इंद्रिय तृप्ति करने में लगे रहते हैं जीवन भर। तो माया में रहते हैं, माया से रहते हैं, माया से घिरे हुए रहते हैं, भ्रमों से घिरे हुए रहते हैं, दुखों से घिरे हुए रहते हैं। लेकिन जो इंद्रियों को वश में करके रखते हैं, जो इंद्रिया जीत कहलाते हैं, ये भगवान के नजदीक होते हैं। भगवान कहते हैं कि दम जो है इंद्रियों को वश में करने की पावर शक्ति वो मुझसे आती है, यानी मेरे भक्त से आती है, मेरे भक्त में आती है। जो मेरी शरण लेता है वो उसको दमन करने की शक्ति देता हूं। जो माया के वश में है उनको दमन क्रिया, इंद्रियों को वश में करने की शक्ति नहीं होती उनमें, और उनकी इंद्रियां कहीं भी इंद्रिय रूपी घोड़े कहो किधर भी दौड़ते हैं, बुरे कर्मों से लेके भले कर्मों से लेके सब तरह के इंद्रिय भोगों में लगे रहते हैं। उनका पतन है, उनको दुख तकलीफें आती हैं। ऐसी मन का विचार है, मन के विचार